नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू। देश में हर दिन लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग इस बीमारी से अपनी बचाव चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी डाइट में तरह तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध फल शामिल कर रहे हैं, कोई नारियल पानी और लेमन पुदीना जूस पी रहे हैं। जो लोग कोविड से बचे हुए हैं वो खुद को सेहतमंद रखने में कारगर हैं, लेकिन जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई लोग अपनी भूख को ही खो देते हैं और कमजोरी महसूस करने लगते हैं। कोविड 19 से ज्यादातर लोग घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कोविड से तेजी से रिकवरी के लिए सभी दवाओं और मल्टी विटामिन्स के साथ साथ आहार का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। संक्रमण के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में तेज रिकवरी के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके के अनुसार कोरोना वायरस से ठीक हो रहे लोगों को रिकवरी प्रक्रिया को तेज करने और इम्यूनिटी के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है। पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार होना बहुत जरूरी बन जाता है। इसके लिए भोजन में साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियों को शामिल करना अति आवश्यक है। थकान को कम करने और दोबारा से ताकत पाने के लिए डेयरी उत्पाद, प्रोटीन जैसे अंडे, मछली और चिकन का रोजाना सेवन करना बहुत आवश्यक है। तो सवेरे का नाश्ते की हम बात करते हैं, कैसे करें और क्या करें। आहार विशेषज्ञों के मुताबिक रोगियों को सुबह सुबह 6 से 7 भीगे हुए बादाम, 2-3 साबुत अखरोट और 5 से 6 किशमिश खाने चाहिए। इसके बाद अदरक और तुलसी के पत्तों से बना काढ़ा पीजिए। कुछ समय बाद कच्चे लहसुन को 1-2 कलियां चबानी चाहिए। नाश्ते के लिए बेसन, दाल, रागी, पालक से बने चीले या अंडों का ऑमलेट खा सकते हैं। इसके करीब 1 घंटे बाद अपने पसंद के किसी फल जैसे कि कीवी, संतरा, सेब, पपीता, अनानास का सेवन जरूर करें। दोपहर और रात का खाना कैसा होना चाहिए? तो आहार विशेषज्ञों के मुताबिक भोजन में हमेशा मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियों को शामिल करें। इसके अलावा दोपहर के भोजन में 1 कटोरी ताजा दही जरूर शामिल करें। लंच के बाद खजूर के 2 पीस जरूर खा लें। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेट फुल कर लिया है और रात का खाना आप खा रहे हैं। इसके लिए आप मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हैं और मौसमी सब्जियां खा सकते हैं। रात के भोजन के बाद 1 ग्लास हल्दी वाला दूध जरूर से जरूर पीना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि रात के खाने के बाद, और सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स को नहीं, हम सभी के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी वाला दूध बेहद कारगर साबित होता है। अपनी कैलोरी इनटेक बढ़ाएं। आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि संक्रमण से मुकाबले के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण पोस्ट कोविड हमें बहुत ज्यादा थकान का अनुभव होता है। इसके लिए आहार में कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक है। साबुत अनाज जैसे बाजरा, जई, चावल, आलू और शकरकंद से कैलोरी तथा दूध उत्पाद, सोया, नट्स, मांस, चिकन, मछली और अंडों से अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप कोविड से ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों तक फलों के जूस, चीनी, शहद और भारी भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और आपका जो शुगर लेवल है वो भी बढ़ सकता है और आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के मादक पदार्थ जैसे शराब, धूम्रपान आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे रिकवरी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है इन चीजों से बहुत घटती चली जाती है। इस डाइट को लेने से जल्द मिलेगा कोरोना से छुटकारा। ब्रेकफास्ट में आप 4 इडली ले ले, दलिया ले ले, खिचड़ी ले ले 2 कप, पोंगल ले ले 2 कप, ढोकला ले ले 5 पीस, अंकुरित उबला हुआ मूंग दाल ले लें या स्प्राउट सांबर, 1 कप दाल, प्याज टमाटर की चटनी, पुदीना चटनी जैसी तमाम चीजें आप ले सकते हैं। अब यदि हम बात करें मिड मॉर्निंग की, एक तो पहली बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब भी आप कोविड से संक्रमित हैं तो आपको लगातार अपना मुंह चलाना है, मतलब आपको लगातार भोजन करते जाना है, बिकॉज हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लगातार काम कर रहा है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो बहुत भूख आपको लगेगी नहीं, लेकिन आपको फिर भी खाना खाना है।
मिड मॉर्निंग की यदि बात करें तो एक बाउल मिक्स फ्रूट खा लिया आप, उसमें ऑरेंज हो, पपीता हो, सेब हो, अमरूद हो, अमरूद बहुत कारगर साबित होता है। मिड आफ्टरनून की बात करें तो एक कटोरी दाल का सूप पी लीजिए आप, दाल पी लीजिए आप। लंच की बात करें तो एक कटोरी ब्राउन राइस, ब्राउन राइस बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि जो हम व्हाइट राइस खाते हैं प्लेन राइस उसमें शुगर की मात्रा होती है, पर ब्राउन राइस इज वेरी हेल्दी। एक कटोरी ब्राउन राइस ले लीजिए, 3 कप सांबर, 1 कप मैंगो दाल, ओटर, काउपर, करी, चाहे तो पालक या हरी सब्जी भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा दही राइस, अजवाइन की रोटी, मेथी आलू, पसंद की दाल और दही, गाजर, आलू, प्याज, कद्दू और गोभी की सब्जी का सेवन भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब इवनिंग स्नैक्स की अगर हम बात करें तो एक कटोरी फल और हल्दी वाली चाय, एक उबला हुआ स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद उबला हुआ, एक प्लेगुड के साथ पोहा या फिर बॉम्बे टोस्ट, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं उसका पूरा ट्रेल मिक्स करके, आदि चीजों को आप मिड इवनिंग में ले सकते हैं। डिनर की यदि हम बात करें तो 2 कटोरी ब्राउन राइस आप ले लीजिए, फिर दलिया की खिचड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकन व्हीट पोंगल, गेहूं का डोसा, चना करी और 1 कप सूखी सब्जी का सेवन आप कर सकते हैं। प्रोटीन की बात करें हम, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जिसके लिए जरिए हम किसी भी बीमारी से जल्द रिकवर हो जाते हैं। इनमें मौजूद जरूरी अमीनो एसिड आपको हानिकारक इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे शरीर को हर दिन 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अपने आहार में जितनी दाल, फलियां, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे या फिर सोया, नट, फल और हरी सब्जियां को शामिल करेंगे तो हम प्रोटीन की जरूरी मात्रा को पा सकते हैं। फल हो गया, सब्जियां, फलियां, लेंटिल्स, बीन्स, नट्स और साबुत अनाज जैसे मक्का, बाजरा, जई, गेहूं, ब्राउन राइस या स्टार्च वाले कंद, आलू, रतालू, कसावा जैसे खाद्य पदार्थ हमें पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अपनी डाइट में आप हर दिन 2 कप फल, 2.5 कप सब्जियां, 180 ग्राम अनाज और 160 ग्राम बीन्स को शामिल जरूर करें। पारी जीवन के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं और इसलिए हमेशा खुद को हमें हाइड्रेटेड रखना है। पानी के जरिए ही फूड जो आइटम्स हैं वो जो हम खाते हैं पोषक तत्वों को का हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होता है। साथ ही पानी आपके शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। हर दिन 8 से 10 कप पानी मिनिमम पिए, मिनिमम जरूरी है, कम से कम। पानी सबसे अच्छा विकल्प है लेकिन आप अपनी ड्रिंक में लेमन जूस को भी शामिल कर सकते हैं। चाय और कॉफी पीना ठीक है लेकिन सावधान रहें कि बहुत अधिक कैफीन वाले पदार्थों का सेवन ना करें और साथ ही मीठे फलों के रस, सिरप, फिजी जैसे पेय पदार्थों को अवॉइड करें। इनकी बजाय आप नेचुरल फ्रूट्स को ले सकते हैं। COVID-19 से ठीक होने के बाद अगर 6 से 8 महीनों तक आपको किसी भी तरह की परेशानी महसूस होती है तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। उम्मीद यही होगी कि आप सभी सुरक्षित होंगे। धन्यवाद आज की वीडियो में, बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।